अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम हरूफ तहजी के पहले 7 हरूफ की दोहराई करेंगे, अलिफ से से तक। बच्चों पढ़िए मेरे साथ। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, टे, से। अलिफ आ, अलिफ मद्दा आ, बे बा, पे पा, ते ता, टे टा, से सा। अलिफ, अलिफ मद्दा, ये बे, पे, ते, टे, से, ये बे का ख़ानदान है और बे के ख़ानदान में 5 हरूफ हैं, 1, 2, 3, 4, 5। बे के नीचे एक नुक्ता होता है और पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं और ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, जैसे हमारी 2 आंखें होती हैं, और टे का कोई नुक्ता नहीं होता। टे के ऊपर तोएं होती है छोटी सी, और से के ऊपर भी 3 नुक्ते होते हैं। तो प्यारे बच्चों, किताब का सफ़ा नंबर 5 खोलें। अलिफ आ अखबार, अलिफ आ अनार, अलिफ आ अंगूर, अलिफ आ अबू, अलिफ आ अखरोट। अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा आ आम, अलिफ मद्दा आ आड़ू, अलिफ मद्दा आ आलू, अलिफ मद्दा आ आंसू, अलिफ मद्दा आ आग। अगला सफ़ा खोलें। ये कौन सा हर्फ है? बे, बे बा बकरी, बे बा बिल्ली, बे बा बस, बे बा बंदर, बे बा बाजा। अगला सफ़ा खोलें, सफ़ा नंबर 11। ये कौन सा हर्फ है? पे, और पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 3, 1, 2, 3। पे पा पपीता, पे पा परिंदा, पे पा पानी, पे पा पाँव, पे पा पौधा। अब अगला सफ़ा नंबर खोलें, 13। ये कौन सा हर्फ है? ते, और ते के कितने नुक्ते होते हैं? 2। ते ता तरबूज, ते ता तितली, ते ता तीतर, ते ता तख्ती, ते ता ताला। वेरी गुड। अब अगला किताब का सफ़ा नंबर खोलें, 15। ये कौन सा हर्फ है? टे, और टे की होती है टोपी, यानी टे के ऊपर छोटा सा तोए होता है, टे का कोई नुक्ता नहीं होता। मेरे साथ पढ़ें, टे टा टोपी, टे टा टमाटर, टे टा टीवी, टे टा टोकरी, टे टा टेलीफोन। वेरी गुड। अब किताब का सफ़ा नंबर 17 खोलें। ये कौन सा हर्फ है? से, और से के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 3, 1, 2, 3। पढ़िए मेरे साथ, से सा समर, से सा समर। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, अब हम इन हरूफ को लिखने की मशक करते हैं। पहले हम लिखेंगे अलिफ। इस नुक्ते से शुरू करें और नीचे की तरफ ले आएं और इस लाइन पर रुक जाएं, ये है अलिफ। अब हम अलिफ मदा लिखेंगे। इस नुक्ते से शुरू करें और नीचे की तरफ आएं और इस लाइन पर रुक जाएं, और अलिफ के ऊपर होता है ताज, और उस ताज को क्या कहते हैं? मदा। अब हम मदा लिखने की मशक करेंगे। इस लाइन से शुरू करें, नीचे की तरफ आएं और फिर गोल करें और फिर थोड़ा सा ऊपर चले जाएं और फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएं, यह है अलिफ मद्दा। अब हम बे लिखने की मशक करेंगे। इस नुक्ते से शुरू करें, नीचे की तरफ आएं और इस लाइन के साथ साथ चलेंगे और फिर ऊपर चले जाएंगे और रुक जाएंगे, और यह है बे, और बे के कितने नुक्ते होते हैं? 1। अब हम लिखेंगे पे। इस नुक्ते से शुरू करें, नीचे की तरफ आएं और लाइन के साथ साथ हम चलेंगे और फिर हम चले जाएंगे ऊपर, ये है पे, और पे के कितने नुक्ते होते हैं? 3, 1, 2, 3। अब हम क्या लिखेंगे? अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते। अब हम ते लिखेंगे।
इस नुक्ते से शुरू करें, नीचे की तरफ आएं, लाइन के साथ साथ चलें और फिर ऊपर। देखिए कितने नुक्ते होते हैं, दो, जिस तरह हमारी दो आंखें होती हैं। अब हम लिखेंगे टे। टे भी हम इसी तरह ही लिखेंगे, इस नुक्ते से शुरू करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, लाइन के साथ साथ चलेंगे और फिर ऊपर चलेंगे। और टे के ऊपर होती है छोटी सी तोएं। अब हम लिखेंगे से। से भी बिल्कुल इसी तरह नुक्ते से स्टार्ट शुरू करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे, लाइन के साथ साथ चलेंगे और ऊपर चले जाएंगे। और से के कितने नुक्ते होते हैं, तीन। से के ऊपर तीन नुक्ते होते हैं, अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते, टे और से। शुक्रिया।